हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर आता हूँ। तो आइए, आज फिर से एक नए जॉब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जॉब स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर फ्रेशर के लिए है। ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार देखने को नहीं मिलता, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना आए और किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना करे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये आज का जो जॉब है वो है कोवी। ये जो एक एमएनसी कंपनी है, ये उसका वेबसाइट है। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसको चलिए ले चलता हूँ मैं आपको इस जॉब के करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप इसको नीचे जाना है। देखिए, जॉब्स इन इंडिया, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए खुल गया। यहाँ पे पहला ही जॉब है, देखिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बिल्डिंग्स, इस पर इसके में है। इसमें आपको क्लिक करना है। ये देखिए, क्लिक कर देने के बाद आप देखिए ये आ गया खुल के, इसके बारे में डिटेल्स। ये देखिए, ये जो है 25 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, और ये परसों 6 तारीख को ही हुआ था, को डाला गया था इस वेबसाइट पे। देखिए इसमें ये एमएनसी कंपनी है, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जॉब के बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है। देखिए, ज्वाइन आवर 4+6 month ट्रेनिंग प्रोग्राम एज इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन बिल्डिंग फॉलो बाय ए फुल टाइम पोजिशन। देखिए आपको जो ये 4+6 ये ट्रेनिंग का टाइम है, और ये उसके बाद फुल टाइम आपको जॉब दिया जाएगा। तो ये जो 4 महीने हैं, इसके बारे में मैं आपको नीचे में, देखिए 4 महीने और 6 महीने जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके डिटेल नीचे में दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये एमएनसी जॉब है, तो आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आपको इसमें लग जाता है तो बहुत ही आपके फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो चलिए आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी के बारे में पूरा नीचे डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एमएनसी है तो भाई इतना तो आपको पता ही होगा, आप आंख बंद करके इसमें अप्लाई कीजिए। ले चलता है, जॉब लोकेशन है। अगर आपको जॉब लग जाता है तो आपको लोकेशन होगा चेन्नई में होगा। अब देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। देखिए, द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी रन ओवर ए 10 month पीरियड, 10 महीने तक चलेगा। और ये इसमें क्या है, कंप्लीशन द स्टूडेंट विल हैव डेवलप कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी इनेबलिंग देम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल डिजाइन। मतलब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसा डेवलप स्किल डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल डिजाइन, मॉडलिंग ये सब कर पाए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। और उसमें देखिए, ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट एंड गेट सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब उसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल डिजाइन स्टैंडर्ड लाइक यूरो कोड, अमेरिकन है, इंडियन कोड पे आपको इस पे इंटरनेशनल डिजाइन स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा। डिजाइन सॉफ्टवेयर पैकेज एंड टूल्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन रोबोट, FEM डिजाइन एंड ई टैब्स एंड शेप, ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सिखाया जाएगा। डिफरेंट मटेरियल यूजेज, डिजाइन मेथड, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है उसके बारे में, यूजेज के बारे में, और उसके डिजाइन मेथड क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। डिजाइन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग के बारे में बताया जाएगा। कैसे डिजाइन करना है, कैसे एनालाइज करना है, ग्रेविटी, सेस्मिक, विंड इम्पैक्ट एक्सेट्रा, जितना भी मतलब स्ट्रक्चर का डिटेल्स है तो पूरा। उसके बाद बीम मॉडलिंग है, उसके बारे में बताया जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग, उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब देख लेते, ये तो था क्या क्या आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के टाइम में। 4+4 महीने प्लस 6 महीने का जो ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, अब देख लेते हैं। आप ट्रेनिंग में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप का चीजें हैं। तो देखिए, पहला जो फेज 1 है जो 4 महीने का है, इसमें देख लीजिए आपको स्टाइपेंड भी दे दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि फ्री में आपको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग के पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा, स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। देखिए फेज 1 में क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गो थ्रू द एन इंटर्नशिप फॉर 4 month कवरिंग थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। ड्यूरिंग दिस फेज स्टूडेंट विल बी पेड स्टाइपेंड टू कवर बेसिक कॉस्ट। मतलब आपको ये थ्योरिटिकल चीज इसमें बताया जाएगा स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में, मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ फेज 1 एंड इंडिविजुअल इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू लर्न स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो मतलब इसके बारे में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देना पड़ेगा, उसके बारे में लिखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। फेज 2 के बारे में देखते हैं। देखिए और क्या लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट कंप्लीटिंग द फेज 1 द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ट्रेनिंग मिलने के बाद। उसको देखिए फेज 2 में क्या होगा,
ये 6 मंथ का है, पहला था 4 मंथ, ये 6 मंथ का है। इन दिस फेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल बी टेक प्लेस एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल टेक एंड द स्टूडेंट विल बी वर्किंग ऑन आवर बिल्डिंग डिजाइन प्रोजेक्ट टूगेदर विद आवर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एंड बीम मॉडलर्स। ठीक है, तो उनके एक्सपीरियंस इंजीनियर और बीम मॉडलर्स के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसके ये तो होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग है, पहला वाला था क्लासरूम ट्रेनिंग, उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। और उसका देखिए ये 6 मंथ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज टू यू विल बी मेंबर ऑफ आवर इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टीम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद कंप्लीट हो गया तो आपको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलेगा, इसलिए परमानेंट मेंबर बन जाएंगे आप। ट्रेनिंग विल बी टेक प्लेस इन द मॉडर्न एंड इंटरनेशनल ओपन ऑफिस इन्वायरमेंट यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो आपको ये 10 मंथ के ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट जॉब मिलने वाला है एमएनसी में, जिसमें अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि वो एक गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी जॉब है एमएनसी का जॉब। वहाँ पे आपको जॉब सबसे बड़ी चीज जो रहती है एमएनसी में वो है जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब आप वो करेंगे जिसके लिए आपने पढ़ाई किया है, आप जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग की, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, आपको अच्छा लाइफ होगा, अच्छी सैलरी होगी। देखिए इसमें क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव ए मास्टर डिग्री एमई एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पास आउट ईयर देखिए क्या है 2020 और 21, मतलब 2020 में पास हुए तब पर भी या फिर 21 में पास हुए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव अटेंडेड एंड कम्प्लीटेड यूनिवर्सिटी कोर्सेज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल डिजाइन बिल्डिंग। ठीक है, मतलब आपने एमटेक कर रखा होगा वो बीटेक और एमटेक कर रखा हो, और भी एमटेक स्ट्रक्चरल डिजाइन से करना है। तो देखिए यू हैव गेन नॉलेज ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग स्टडी, मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे स्टैट प्रो हुआ, ईटैब हुआ, सब का सेफ वगैरह बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपको अगर नहीं पता फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको 4 महीने का जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब टोटल 10 महीने की ट्रेनिंग है। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड विल बी एन एडवांटेज। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आपको कोड का नॉलेज पे नहीं भी है तो वो सब कितना 1 वीक से 10 दिन में आप सीख सकते हैं इजीली। आप कोड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कोड डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। आप ऐसा नहीं, अगर नहीं आता है फिर भी अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसमें 1-2 वैकेंसी नहीं होगा, क्योंकि वो क्लासरूम ट्रेनिंग 10 महीने तक दे रहे हैं, तो जरूर वो कम से कम 100+ वैकेंसी होगा तभी वो क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे इतने लोगों को, क्योंकि ये एमएनसी है। आप बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। देखिए पर्सनल कंपिटिशन नीडेड, आपके स्किल्स क्या होना चाहिए, मतलब जो पर्सनल स्किल्स क्या होना चाहिए, देखिए यू हैव एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद क्या है यू आर फास्ट लर्नर एंड आस्क क्वेश्चन टू गेट द थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम, टीम ओरिएंटेशन इंक्लूडिंग एबिलिटी, ये सब जो पर्सनल स्किल्स जो है वो सब होना चाहिए आपके पास थोड़ी सी, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड टेल अस व्हाई यू आर राइट पर्सन फॉर द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस जॉब के लिए आप सबसे राइट पर्सन क्यों है। ठीक है, इसमें आपको अपने स्किल्स के बारे में हमेशा ध्यान रखिए, आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये एक रिक्वायरमेंट है, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है ये है, देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ये, इन दोनों से ही आपको वो आंसर मिलेगा, इस दोनों में वो आंसर लिखा हुआ है जो इन्होंने मांगा है। देखिए हाउ टू अप्लाई में क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड टेल अस व्हाई यू वांट, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस जॉब के लिए आप सबसे सही कैंडिडेट क्यों है, इसका आंसर देखिए इन दोनों में लिखा हुआ है, यही है उसका आंसर। तो इसको आपको इस तरह से अपने आप को अपने स्किल्स दिखाने हैं इसके थ्रू, ये जॉब रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको कोई कंपनी इस जॉब इस काम के लिए लेना चाहता है तो आपके अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि मेरे अंदर ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और मेरे अंदर ये सब स्किल्स है, इसलिए मैं इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट डाला हुआ है और यहाँ पे पूछा है आप क्यों कैंडिडेट, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल तभी ना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक नॉर्थ इंडियन खाना बनाने वाला कुक चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, अगर अगर कोई कुक आपको चाहिए तो उसको नॉर्थ इंडियन खाना बनाना आना चाहिए। अगर कोई आप उसको बोलेंगे भाई मैं तुमको जॉब क्यों रखूँ खाना बनाने के लिए, तो बोलेगा क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए आप मेरे को रखिए, मैं सही कैंडिडेट हूँ। उसी तरह आपको बोलना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये दो चीजें हैं पर्सनल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स, उनको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको बताना होगा कि मैं मुझे ये सब चीजें आती है इसलिए मैं इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हूँ, और मुझे और ये मेरा पैशन है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना होगा। तो ये आपको कहाँ बताना होगा, CV में प्लस कवर लेटर में।
ठीक है, तो देखिए अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, तो ये वही चीज जो हमने पीछे पढ़ा वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ, यही वो सेम चीज वही, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसको फिर से हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, फिर से देखिए अप्लाई पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको मैंने अभी इसके पहले थोड़ा पहले विजिट किया था, तो मैंने इस पे अकाउंट बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लीजिए। तो देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने लॉग इन करके रखा था। ये देखिए मेरा मेल आईडी और पासवर्ड सेव है यहाँ पे, तो मैंने साइन इन कर देता हूँ। देखिए मैंने साइन इन कर वाला पेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो आप जो नॉर्मल जो कोई भी जॉब फिलअप करते हैं किसी की एमएनसी की वेबसाइट पे जो नॉर्मल होता है, वही यहाँ पे भी फॉर्मेट आपका नाम वगैरह, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो सब है, वो सब डालना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होगा। इसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट मेन दो चीज है, वो एक तो सीवी चाहिए आपका, ठीक है, रिज्यूमे अच्छे से बना के डाले। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, कवर लेटर, ठीक है, यहाँ पे कवर लेटर भी डालना पड़ेगा आपको। कवर लेटर में वही मेंशन करना है आप इस चीज, कवर लेटर में वही बताना है आपके स्किल्स क्या है और इस जॉब के लिए आपको कहाँ से पता चला और अपने आपको इस पोस्ट के लिए क्यों फिट मानते हैं आप, सही कैंडिडेट क्यों मानते हो, कवर लेटर में वही चीज लिखना है, शॉर्ट में, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अटैचमेंट, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, पोर्टफोलियो अच्छा सा बना के यहाँ पे डालें, जिससे कि आप 100% इस जॉब के लिए एकदम क्वालिफाई हो जाए। इससे ज्यादा डिटेल में मैं दोस्तों और बात नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको फिलअप करना पड़ेगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ परेशानी आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में करके बताऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये ऐसा जॉब बार बार नहीं मिलता, इसलिए मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ही सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह का जो जॉब है वो फ्यूचर में लेके आता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। और आप लोग एक्चुअली वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेम्बर टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।